हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। टैग देख के पता चल गया है तो क्या होने वाला है आज। तो आज थोड़ा सा मैं एक एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा जो मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो प्रॉब्लम में पड़ते हैं ऐसा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्कशन कर दूँ। तो जो जो काम करते हैं, नया हो या पुराना, उनके लिए बहुत काम आएगा। तो आज का टॉपिक है नो पावर 81 का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस बोट को आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका मॉडल नंबर है, देख सकते हो, आपका गीगाबाइट GAH81MS। ये छोटा वाला बोट है। इसमें से ख़राब होने का दो तीन चीज़ ही होता है, ख़राब होता है, ज़्यादातर कुछ ख़राब नहीं होता है। पहला वाला ये तो इसका बायस में कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण या फिर बोर्ड रिस्टार्ट होता है या फिर डिस्प्ले नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम है। और सेकंड, इसका मेन जो प्रॉब्लम होता है, सारा प्रॉब्लम होता है, ये आयो से होता है, आयो रिलेटेड होता है, डिस्प्ले नहीं आना या रिस्टार्ट होना, ये भी आयो से होता है। और तीसरा जो है वो मैं फैन को खोल दूँ तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, ना खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तीसरा वाला जो प्रॉब्लम है इसका, ये जो PWM IC है, ये IC से होता है। तो इस बोर्ड में कुछ ऐसा प्रॉब्लम था, अभी मैंने सॉल्व कर डाला, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों का भी काम आएगा। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि वो कंपोनेंट फिर से मैं दोबारा वहाँ पर लगा के ख़राब करके फिर दिखाऊँ मैं आपको, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि अभी डिलीवरी करना है इसे, और ये सुबह में वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि अभी शॉप पे जाना है और ये बोर्ड लेके जाना है, इसलिए। तो 10 मिनट पहले मैंने सक्सेस किया इस बोर्ड को। अब मैं दिखाऊंगा इस बोर्ड का प्रॉब्लम क्या था और कैसे सॉल्व हुआ है, ये मैं बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। शॉर्ट टाइम में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस बोर्ड में प्रॉब्लम था कुछ ऐसा, जब भी मैं इस बोर्ड को पावर दे रहा था SMPS के थ्रू, जब भी मैं इस बोर्ड को पावर दे रहा था, मतलब स्विचिंग कर रहा था, तब ये बोर्ड, जब भी मैं स्विचिंग कर रहा था तब ये बोर्ड जस्ट एक बार फैन स्पिन होकर बंद हो रहा था, मतलब नो पावर इशू था, बोर्ड नहीं चल रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि VRM सेक्शन में शॉर्ट होगा, तो मैंने ये 4-pin ATX को निकाला और यहाँ पर मल्टीमीटर का जो ये पॉजिटिव है, देख सकते हो आप, लाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब चल रहा है। इसे खोल दूँ थोड़ा सा, एक सेकंड होल्ड करें, मैं सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी दिखेगा अच्छी तरह से। यहाँ पर जो 4-pin ATX है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक नोड है, दिख रहा है आपको, इतना लाइट का कॉम्बिनेशन ख़राब है। ये एक नोड है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। यहाँ पर जब मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड पे रख के चेक कर रहा था, तब कंटिन्यूटी जीरो दिखा रहा था, दैट मीन्स 0L जो होता है हमारा यूनिट या फिर फ्लुक फ्लुक का जो भी मल्टीमीटर होता है जिसके भी के पास, तो 0L होता है, इसका मतलब ये शॉर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, फिर भी बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो अगर प्रोसेसर को मैं निकाल के भी चेक करूँ तो भी सेम कंडीशन है यहाँ पर, ठीक है, 0L आ रहा था। तो तब मैंने यहाँ पर जो कुछ MOSFET वगैरह है इसको मैंने चेक किया, तो जब चेक किया तो ये प्राइमरी, जितने भी सारे प्राइमरी MOSFET है यहाँ पर इस लाइन पे, तो प्राइमरी MOSFET के सोर्स और गेट पे कुछ शॉर्टिंग आ रहा था थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, तो 2.8, 3.0 ऐसे ऐसे करके रीडिंग आ रहा था और बीप दे रहा था। तब मैंने सोचा MOSFET पे अगर बीप दे रहा है तो शायद MOSFET खराब हो सकता है, तो मैंने एक MOSFET को यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। तो जो बीप दे रहा था जब रिमूव किया तो MOSFET पे सही था, मैंने फिर से फिक्स कर दिया और जाके मैंने फिर पता लगा कि इसका जो PWM IC है वो शॉर्ट हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो MOSFET मैंने एक भी चेंज नहीं किया, यहाँ पर जो PWM IC है इसको मैंने चेंज किया। मेरे पास न्यू स्टॉक नहीं है क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट आ रहा था जो कस्टम में अटका हुआ है, 200 पीस से ज़्यादा। इसका मॉडल नंबर है
ISL 95812, ठीक है। तो ये अभी स्टॉक में नहीं था, तो मेरा पास एक स्कब बोर्ड था जिस बोर्ड से मैंने लगाया, तो वो बोर्ड है ये वाला बोर्ड, आप देख सकते हो। यहाँ से मैंने ये PWMIC को उखाड़ा और वो कहाँ पर रखा अभी मुझे नहीं मिल रहा है, गुम हो गया है, और मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया। उसके बाद एक ही बार बोर्ड रेडी हो गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सबसे, अगर आपके पास भी ऐसा कंडीशन में बोर्ड आए और बोर्ड में पावर देने स्विचिंग करने के बाद ही एक बार फैन स्पिन होके ऑफ हो रहा है और दूसरी बार चल नहीं रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर VRM सेक्शन को ओपन करके यहाँ पर पावर देके आप स्विचिंग करेंगे तो भी एक बार ऑफ होके ऑन होगा, क्योंकि 81 सीरीज में 4 पिन पल्सर पावर ना देने से बोर्ड नहीं चलता है। और अगर आपने देख लिया यहाँ पर पावर देने के बाद भी ऐसा हो रहा है और यहाँ पर कुछ शॉर्टिंग नहीं है, तो फिर प्लीज़ ये MOSFET जो है यहाँ पर एक बार आप मल्टीमीटर से चेक करें, अगर कोई भी MOSFET से रीडिंग आए तो वो एक बार उठाए, चेक करने के बाद अगर वो MOSFET सही रहे तो कुछ भी ना सोचे, डायरेक्टली जाके ये PWIC को फेंक दे, ठीक है, उठा के तब उसके बाद चेक करें। यहाँ पर जो कंटिन्यूटी आ रहा था वो नहीं आएगा, जो शॉर्टिंग था वो हट जाएगा, और आपके पास अगर अवेलेबल है तो ये कोर IC को चेंज कर दे, ये बोर्ड रेडी हो जाएगा। हालांकि ये IC 10 रुपया पहले प्राइस था इसका, अभी AliExpress बंद होने से इसका प्राइस 200 रुपया हो गया, ठीक है, तो बहुत प्राइस बढ़ गया है। तो ये बोर्ड अगर आप रिपेयर कर दो तो 500 मिनिमम बिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपको काम करना वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ, ये बोर्ड अभी बिंदास चल रहा है, तो मैं चाहता तो ये IC को फिर से उठा के खराब वाला लगा के दिखा सकता था, लेकिन उसमें टाइम जाएगा और अगर थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गया तो अभी मेरा शॉप पे जाना बंद हो जाएगा, देर हो जाएगा, इसलिए मैं जो प्रॉब्लम था वो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आपके पास भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो ऐसा ही कीजिए, सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अभी मैं एक बार झट से दिखा देता हूँ, तो डिस्प्ले पे मैं नहीं दिखा सकता, देर हो जाएगा, अभी डिबग कार्ड में मैं दिखा रहा हूँ और कीबोर्ड पे दिखा दे रहा हूँ। चलो मैंने पावर दे दिया और एक डिबग कार्ड को लगा देता हूँ, चलो ये लगा दिया। अभी मैं स्विचिंग कर रहा हूँ, देख सकते हो आप, देखो मैंने स्विचिंग कर दिया, इसका जो कोड है ये चेंज हो रहा है, ए भी आएगा, मतलब डिस्प्ले आ जाएगा। CPU में कुछ दिया नहीं मैंने अभी भी, चलो डिस्प्ले आ गया, ए भी मतलब डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। तो मैं एक बार ऑफ करता हूँ और इसका जो CPU का फैन है वो मैं लगाता हूँ, लगा के और एक बार चला के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आए तो VRM सेक्शन को एक बार चेक करें, अगर कोई भी MOSFET शॉर्टिंग नहीं है, इस कारण कुछ भी MOSFET शॉर्टिंग हो सकता है, अगर उसे चेंज करने के बाद भी अगर ना हुआ तो PWIC को आप तुरंत रिप्लेस कर दें, ये बोर्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने फैन को लगा दिया, अभी और एक बार मैं चला के दिखाता हूँ और डिस्प्ले भी दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कम टाइम में हो गया, लेकिन पूरा दिखा सकता तो और भी अच्छा लगता, तो पहले मैं वीडियो बना सकता था लेकिन वो जोड़ना पड़ता है इसीलिए नहीं बनाया। चलो डिस्प्ले आ गया, ये भी इसका कीबोर्ड पे एक बार दिखा देता हूँ, ये इसका कीबोर्ड, ये लगा दिया, एक सेकेंड, चलो ये देख सकते हो आप, एक सेकेंड, ये आ नहीं रहा है, ये देख सकते हो आप इसका कीबोर्ड पे लाइन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर A4 हो गया, यहाँ पर कुछ USB प्लग किया इसलिए हुआ, कोई बात नहीं। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप भी सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, लव यू ऑल।